बराबर और समांतर है, इसलिए चतुर्भुज एसीएफडी एक समांतर चतुर्भुज है। इसको आप खुद लिखोगे यहाँ पर, ठीक है। अब इसमें पांचवे में आपको क्या दिखाना है, एसी इक्वल टू डीएफ। जैसा कि अभी आपने सिद्ध किया था, जो एसीएफडी है वो आपका क्या है, समांतर चतुर्भुज है। तो पांचवे में आप ऐसे लिखेंगे, जो कि एसीएफ चतुर्भुज एसीएफडी एक समांतर चतुर्भुज है, इसलिए एसी इक्वल टू डीएफ। उसके आगे से ब्रैकेट में लिख देंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं। एसीएफडी को हमने समांतर चतुर्भुज कहा, तो इसलिए एसी इक्वल टू डीएफ। रीजन हम लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं। अब इसी में छठा है, आपको त्रिभुज लेना है ए बी सी और दूसरा त्रिभुज लेना है डी ई एफ। इसको हमने क्या दिखाना है, सर्वांगसम दिखाना है, जिसके लिए देखो आपको ए बी बराबर डी ई दिया है, दूसरा आपको दिया था बी सी इक्वल टू ई एफ, ये भी आपको दिया है, और तीसरा अभी आपने सिद्ध किया AC इक्वल टू डी एफ, यानी किससे, ऑप्शन फिफ्थ से लिया है, ठीक है। तो इसलिए एस 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 सर्वांग समता से त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, ठीक है। अब इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, जिसमें आपसे कहा है ए बी सी डी एक समलंब है। समलंब मैंने बताया था एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म क्या होता है, समांतर होता है, जिसकी सम्मुख भुजा का एक युग्म समांतर होता है। तो हमारे पास एक क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी एक समलंब है, ए बी सी डी ये आपको समलंब दिया हुआ है, जिसमें जो ए बी है वो डी सी के क्या है, समांतर है, साथ में जो ए डी है वो बी सी के बराबर है, ठीक है। आपको तो सबसे पहले आप दिया है में क्या लिखोगे, एक समलंब ए बी सी डी जिसमें ए बी समांतर डी सी तथा ए डी बराबर बी सी। सिद्ध करना है में लिखोगे, नंबर वन एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, नंबर टू एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, नंबर थ्री ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी और ट्राइंगल बी ए डी, ट्राइंगल ए बी सी इसका मतलब आप इसको मिलाओगे, दूसरा ट्राइंगल बी सी डी का मतलब बी और डी को मिलाओगे, ठीक है, ये आपको सर्वांगसम सिद्ध करना है। चौथा, अगर सर्वांगसम होगे तो विकर्ण ए सी बराबर विकर्ण बी डी सिद्ध करना है। तो इसके लिए देखिए, सबसे पहले हम दिया है कि बाद इसमें रचना करते हैं, ठीक है। तो रचना में आपको पता है कि विकर्ण तो दिखाने हैं, फिलहाल मैं आपको क्वेश्चन समझा रही हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर अभी विकर्ण मिटाया, उससे इजी पड़ेगा। तो पहले हमें यहाँ पर रचना करते हैं, यानी कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, इसमें क्या करते हैं, शीर्ष सी से ए डी के समांतर एक रेखा खींचते हैं और ए बी को आगे को बढ़ाते हैं, जिससे कि एक दूसरे को बिंदु ई पर प्रतिच्छेद करता है, हम इसे मान लें। तो आप क्या लिखोगे, शीर्ष सी से डी ए के समांतर सी ई खींची तथा ए बी को भुजा ए बी को बिंदु ई तक बढ़ाया, बिंदु ई तक बढ़ाया, यह आपका रचना में आएगा। प्रूफ यानी प्रमाण क्या लिखोगे, तो सबसे पहले देखिए हमें एंगल ए इक्वल टू एंगल बी दिखाना है, यानी ये और ये कोण बराबर दिखाने हैं। तो इसके लिए अभी हमने कहा कि जो हमारा समलंब है उसमें ए बी भुजा किसके समांतर है, डी सी के। अगर हम चतुर्भुज ए ई सी
डी ले लें तो इसमें ए भी अगर डीसी के समांतर है तो ए ई भी तो डीसी के समांतर होगी। ये छोटी भुजा, ये छोटी रेखा इसके फलन समांतर है तो ए इसी को अगर हम आई को बढ़ा दें तो भी तो ये इसके समांतर होगी, कोई कंडीशन यहाँ पर लगी है। तो ये एक आपका क्या हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज। तो हम लिखेंगे चतुर्भुज ए ई सी डी में जो ए ई है ए बी समांतर सी डी, या इसे हम लिख देते हैं ए ई समांतर डी सी, या हम लिखे इसको लिख देना इम्प्लाइज यहाँ पर, ठीक है इम्प्लाइज करें। दूसरा हमने क्या कहा ए डी समांतर सी एफ, सी ई किससे, रचना रचना से। तो हाँ अब देखो, अभी हमने एक समांतर चतुर्भुज की मैंने आपको पहले परिभाषा सिखाई है कि समूह भुजा का अगर एक समूह भुजा समांतर होती है तो उसे हम समांतर चतुर्भुज कहते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं, चूंकि समूह भुजाएं समांतर हैं इसलिए ए ई सी डी एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक हो गया। अगर समांतर चतुर्भुज है तो इनकी समूह भुजाएं क्या हो जाएंगी, बराबर, यानी ए डी बराबर हो गया सी ई। समांतर चतुर्भुज की समूह भुजा जो कि क्या होती है, बराबर होती है, समूह भुजा हो गया। अब इसको इक्वेशन फर्स्ट कर दीजिए। अब हम इसके बाद देखिए, आपको प्रश्न में जो ए डी है उसको बी सी के बराबर कहा गया है, तो अब हम इसे थोड़ा शॉर्ट समझने के लिए आप एन डी मान लेते, इसको वन कह दिया, इसको टू, और ये हो गया आपका थ्री। फिलहाल अभी इसको इतना ही ले लीजिए। तो अब हम देखिए क्या करेंगे, क्योंकि जो ए डी है वो किसके बराबर है, बी सी के, ये हमने दिया है। दूसरा ए डी बराबर सी एफ, सी ई सॉरी सी सिद्ध किया है, सिद्ध किया है। तो देखो ए डी बी सी के बराबर है, ए डी सी के बराबर है, तो इनके एल एच एस बराबर है, तो आर एच एस के बराबर है, यानी बी सी इक्वल टू सी एफ, तो बी सी और सी एफ आपके क्या हो जाएंगे, बराबर। तो इसलिए बी सी इक्वल टू सी ई।